हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। आज का वीडियो मैं हर उस युवा के लिए लेकर आई हूं जो एक सरकारी नौकरी पाने के सपने को लेकर बड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी मंजिल तक पहुंचने के सफ़र में बदलाव हुआ है तो इस बदलाव को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आखिर तक वीडियो को देखिएगा और जानिएगा क्या निर्णय हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए हमारी जीरो टू इन्फिनिटी फैमिली के मेंबर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास किया है। आज तक युवा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा देते थे। जैसे आपको अगर एक क्लर्क के लिए आप अप्लाई करते थे क्लर्क के पद के लिए, तो आप एसएससी के थ्रू भरते थे, आरआरबी के थ्रू अप्लाई करते थे, या फिर बैंक में क्लर्क बनने के लिए आईबीपीएस का एग्ज़ाम देते थे। अब आगे इन तीनों को मिलाकर एक ही परीक्षा की जाएगी और यह परीक्षा करवाएगा एनआरए। परीक्षा का नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिलहाल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दायरे में है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। बाद में अन्य विभागों को भी इसके अंदर लाने का प्रस्ताव है। सीईटी एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और ये एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। जैसे क्लैरिकल पद के लिए एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस तीनों ही जगहों पर इस परीक्षा का स्कोर वैलिड होगा, लेकिन जो मेन या फिर इंटरव्यू का एग्ज़ाम होगा वो उसी एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी। एसएससी क्लर्क का मेन एग्ज़ाम एसएससी करवाएगी, इसी तरह से रेलवे और बैंकिंग में भी होगा। अब मैं बात करूंगी एनआरए के गठन से एक युवा को क्या फ़ायदा होगा। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, आपको अलग अलग पदों के लिए होने वाली अलग अलग परीक्षा से छुटकारा मिलेगा। मान लीजिए आप एक जेई बनना चाहते हैं, आपने एसएससी से जेई की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, आपने रेलवे से ही जेई की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, आपको अलग अलग समय पर अलग अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन करना होता है, अलग अलग फ़ीस चुकानी होती है, अलग अलग जगहों पर जाकर परीक्षा देनी होती है, ट्रैवल करना होता है, फिर उसके बाद सभी परीक्षाओं के अलग अलग परिणाम के लिए आपको इंतज़ार करना होता है। तो आपको इस पूरे झंझटों से छुटकारा मिलेगा, आपका खर्च बचेगा, आपका समय बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी, क्योंकि अब आपको एक ही प्री एग्ज़ाम देना है। दूसरा फायदा, एक परीक्षा के होने से परीक्षा के संचालन और परिणाम के घोषित होने में कम समय लगेगा, आपका रिजल्ट जल्दी घोषित होगा और भर्ती प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। तीसरा फायदा है कि जब आप इस सीईटी टेस्ट को एक बार देंगे, इसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा। आप 3 साल तक इस स्कोर के आधार पर आप अपनी वैकेंसीज के लिए, अगली स्टेप के लिए, मेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कितने आप अटेम्प्ट्स लेना चाहते हैं, इसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितनी भी बार चाहें, जब तक आपकी एज लिमिट है, आप इसे दे सकते हैं। और पिछले 3 सालों का जो बेस्ट स्कोर होगा, मान लीजिए आपके 1 साल 60 नंबर आए, 1 बार 70, 1 बार 80, तो बेस्ट स्कोर यानी 80 वाला स्कोर जो है आपका वैलिड होगा। या फिर आपके पहले प्रयास में 80 आए थे लेकिन दूसरे में 70 या 60 कम आ गए, तब भी आपका 80 वाला स्कोर वैलिड होगा। तो एक बार लिया गया स्कोर 3 साल तक आपको कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बना देगा। इस टेस्ट के लिए देश के हर जिले में सेंटर बनाया जाएगा, बहुत दूर आपके लिए परीक्षा केंद्र नहीं होगा। सारी ही परीक्षाओं के लिए एक जैसा सिलेबस होगा। जैसा मैंने बताया, अगर आप जेई के पद के लिए दे रहे हैं तो सभी, भले ही बाद में मेन अलग होना है, लेकिन कॉमन प्री एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए एक जैसा सिलेबस होगा। क्लैरिकल के लिए एक जैसा सिलेबस होगा, चाहे वो बैंक क्लर्क हो या फिर किसी ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क हो, एक जैसा सिलेबस होगा। अगला फ़ायदा बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आज तक हिंदी और इंग्लिश में ही टेस्ट में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते थे क्वेश्चन, लेकिन अब 12 भाषाओं में
ये प्रश्न पूछे जा सकेंगे, तो इससे भी परीक्षार्थियों को आसानी होगी। अब ये सब सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये कब से शुरू होगा। अभी कैबिनेट में NRA के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ है, इसके बाद इसका गठन होगा, बोर्ड मेंबर्स ढूंढे जाएंगे, पॉलिसी बनेगी, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो लगभग एक साल का समय लगेगा। इस साल का जो कैलेंडर है, इस बार की जो परीक्षाएं होनी है, वो पुराने नियमों से ही होंगी। अगले साल 2021 से नए नियमों से NRA के तहत CET कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रही होगी। आपको अपनी भविष्य की जो भी करियर प्लानिंग है इस हिसाब से करनी है। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की ज़रूरी अपडेट्स लेकर आऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।